Hello friends, welcome to my channel Harshad Patel Nifty Technicals. तो मैं अभी Nifty option selling की एक video बनाऊंगा और live trading करके दिखाऊंगा अभी आपको. तो उसमें market की direction आपको पता होनी चाहिए, otherwise unlimited loss हो सकता है. तो मुझे लगता है ये market already अभी टूट चुका है, तो नीचे के level से एक retracement आ सकती है. तो अभी मैं price अभी देख रहा हूँ, मैं एक सब call की price है, option प्लस की बात करो ऐसे ऐसे डायरेक्ट में ट्रेडिंग में करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मार्जिन है वो बहुत ज्यादा मिलता है लेवरेज की बात करें. तो यहाँ पे देख सकते हो अभी 11,400 का फूट है 14 रुपये और 40 पैसे में. तो इसको मैं सेल कर सकता हूँ. तो अभी सोच रहा हूँ मैं निफ्टी की कौन से प्राइस पे सस्टेन करेगी. तो देख सकते हो अभी आप 530 पे है, 11,530 पे निफ्टी स्पॉट की बात करें तो ऑलरेडी 7 पॉइंट अभी ये टूट चुकी है और 11,400 का पुट है वो है अभी 14 रुपये में. ओके, तो देख सकते हो अभी तो इसमें प्रीमियम डीके का जो प्रॉब्लम होता है, तो प्रीमियम ईटिंग की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में. तो मैंने अभी क्वांटिटी वो डाली है, वो है 900 क्वांटिटी, 75 क्वांटिटी यानी एक लॉट. तो अभी मैंने क्वांटिटी डाली है वो है 900, और देख सकते हो 520 के आसपास है स्पॉट में. तो लगता है 500 का जो लेवल है वो निफ्टी जस्ट तोड़ देगा आज, तो और भी इसमें थोड़ा लॉस हो सकता है मुझे. तो यहाँ पे मैं अभी ऐड कर रहा हूँ जीरो दम में, कि यहाँ लाइव प्राइस जो अपडेट होती है वो देखने में यहाँ मजा आता है. तो मैं देखूंगा जीरो दम में और ट्रेड करूंगा अभी ICICI डायरेक्ट में. तो यहाँ देख सकते हो 11,400 का पुट है. तो पुट सेलिंग का मतलब है कि निफ्टी यहां से ऊपर जानी चाहिए, ये याद रखो. ओके, तो 14 रुपये और 30 पैसे में चल रहा है अभी. आप देख सकते हो 14 रुपये 80 पैसे, 14 रुपये 90 पैसे में. तो अभी थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ. स्टॉप लॉस मैंने सेट किया है 28 का. तो अभी ये देख सकते हो ओपन है ऑर्डर मेरा अभी सेल का 900 क्वांटिटी. तो अभी 14 रुपये जस्ट आ चुका है, तो लगता है एग्जीक्यूटेड हो गया होगा. स्पॉट में निफ्टी की बात करें तो 525 में 11,525. तो पुट बेचने का मतलब है दोस्तों कि आप तेजी कर रहे हो. निफ्टी यहां से जहां आपने पुट बेचा है वहां से ऊपर ही जानी चाहिए मार्केट, जो है वो डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए, तो ही आपको पुट बेचना है. तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम कॉल क्यों बाय नहीं कर सकते. तो कॉल का प्राइस डीके जो होता है वो मार्केट भले ही कितना ऊपर चढ़ जाए लेकिन प्राइस जो है वही रहता है. तो 14 रुपये में एग्जीक्यूटर हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे 11,400 का पुट मैंने बेचा है 14 रुपये में. तो प्रीमियम मीटिंग का मुझे इसमें चांस मिलेगा अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, यहाँ से गिर भी जाए तो भी बहुत प्राइस जो है वो नहीं बढ़ेगी. अभी हाई लगा है 17 रुपये का, आप देख सकते हो लाइव ट्रेडिंग में. तो वीडियो को दोस्तों पूरी देखा कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना और शेयर भी करना और कमेंट में लिखना और इन ऑप्शन सेलिंग की वीडियो आपको कैसी लगी. तो देख सकते हो चार्ट अभी ऑलमोस्ट रेड कैंडल ही बनी है और ईएमए के नीचे ही है, तो ईएमए क्रॉस नहीं कर पाई है. अभी गैप अप ज्यादा है ईएमए में. तो 14 रुपये में सेल किया है, देख सकते हो 14 रुपये ही चल रहा है अभी. तो 1 रुपये का बढ़ने घटने का मतलब है 900 रुपये का प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि आई हैव सोल्ड माई 900 क्वांटिटी. तो अभी प्राइस आप देख सकते हो अभी 15 रुपये चल रहा है, यानी 1 रुपये का लॉस है. तो दोस्तों 1 रुपये इसमें ब्रोकरेज में निकल जाएगा 1000 रुपये के करीब, क्योंकि 900 क्वांटिटी है. तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 13 रुपये है. तो अभी गिने तो मेरा 2.5 रुपये का अभी लॉस है, आप देख सकते हो 16 रुपये है. तो 13 से 16 यानी अभी मुझे 3 रुपये का लॉस है. आप देख सकते हो यहाँ पे 2000 रुपये का लॉस है, 1 रुपया ब्रोकरेज में नहीं, 1000 रुपया और चला जाएगा. तो 3000 रुपये का लॉस है, 16 रुपये और 20 पैसा आप देख सकते हो यहाँ पे. और 28 का टिकर प्राइस है स्टॉप लॉस. तो इसमें प्रीमियम डीके होगा अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गया 2 से 3 घंटे के लिए. तो दोस्तों आपको
पता हो कि मार्केट के डायरेक्शन, तभी आपको कॉल और पुट बेच सकते हो, अदरवाइज अनलिमिटेड इसमें लॉस हो सकता है। ऊपर की तरफ कभी भी कॉल और पुट का प्राइस है वो अचानक से भाग सकता है और अपना अब आपका जो स्टॉप लॉस ये वो ट्रिगर हो जाएगा। तो देख सकते हो 510 पे है निफ्टी स्पॉट, तो लगता है 500 तोड़ देगी तो और भी मेरा लॉस बढ़ेगा। अभी 16.50 रुपये है दोस्तों। मेरा बीच में इंटरनेट है वो, ये ऑर्डर जब मैंने क्लोज किया और ये जो सेल वाला, तो इंटरनेट मेरा बंद हो गया था। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज डाला था मैंने, तो बात की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, आप देख सकते हो 507 पे स्पॉट की बात करें तो, और प्राइस दोस्तों अभी देख सकते हो 17.50 रुपये, यानी 13 रुपये से मैं गिनूं 13 रुपये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। मैंने बेचा है 14 में, तो 1 रुपया है वो चला जाएगा ब्रोकरेज में। तो अभी मार्केट थोड़ा ऊपर आया है, अभी 14.20 रुपये देख सकते हो, यहाँ पे 180 रुपये लॉस में। तो आप देख सकते हो उसने हाई लगाया था दोस्तों 19 का, यानी 5 रुपये का, 6 रुपये का दोस्तों मुझे लॉस था। अभी 14 रुपये है क्योंकि 515 पे देख सकते हो निफ्टी स्पॉट। तो अभी प्रॉफिट लॉस देख सकते हो ऑलमोस्ट जीरो। ओके तो 19 रुपये का हाई लगा, यानी 6 रुपये का लॉस था मुझे, यानी 3,3500 रुपये का लॉस अभी थोड़ी देर पहले मुझे चल रहा था, वहां से मैं अभी जीरो पे आया हूँ। तो पुट बेचने का और कॉल बेचने का यही प्रॉफिट है कि ये प्राइस नीचे जल्दी आती है, ऊपर जल्दी नहीं जाती, याद रखिए। तो देख सकते हो 1500 रुपये का लॉस वापिस से, और करेंट मार्केट प्राइस है 15.65 रुपये, तो 14 से नीचे जाएगा तो ही इसमें मेरा प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों बीच में मेरी रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाया था, इसमें मेरा नेट है वो बंद हो गया था, तो मैंने मोबाइल से वीडियो जो है वो अपलोड की थी यूट्यूब में, तो उसमें लिमिटेड है मेरा इंटरनेट मोबाइल में। तो इसके बाद वाला जो पार्ट है अभी आप वीडियो में देखोगे, वो मेरे ऑर्डर जो मैंने खत्म कर दिया था मोबाइल में, एग्जीक्यूटेड कर लिया था बाई का, उसके बाद की है। तो अभी 13 रुपये है देख सकते हो, अभी 760 रुपये का प्रॉफिट, 765 का। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ये मेरा ऑर्डर अभी जो मैंने एग्जीक्यूटेड कर दिया था बाय वाला, उसके बाद की है देख सकते हो 11.05 रुपये में, उसके अंदर जाके देखना पड़ेगा कौन से प्राइस पे बाय हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो 11,400 का पुट ये सेल किया था 14 रुपये में 900 क्वांटिटी, और अभी बाय किया है देख सकते हो 11.05 अंदर अलग भाव होगा, क्योंकि मार्केट पे दोस्तों एग्जिट होता है, लिमिट में नहीं होता, तो अंदर क्लिक करके देखना पड़ेगा। ये देख सकते हो यहाँ पे 14 रुपये में सेल हुआ था, मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एज यू कैन सी हियर 900 क्वांटिटी, और 12,600 रुपये मेरे ब्लॉक हुए थे। ये सेल है सभी ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर होते हैं दोस्तों, क्योंकि अलग अलग सेलर होता है इसमें सामने, इसीलिए। और ये देख सकते हो 11.15 रुपये और 11.10 रुपये में बाय हुआ है 900 क्वांटिटी, 10,000 रुपये टोटल अमाउंट, और एक्शन में बाय देख सकते हो यहाँ पे, और टाइम है 12:38। तो अभी मेरा प्रॉफिट मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे आपने देख लिया ऑर्डर बुक, और ये मेरा प्रॉफिट है। अभी मैं थोड़ा जूम आउट करूंगा, 2580 रुपये का प्रॉफिट, 2580। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऑप्शन को सेल करके मैंने अभी 2500 रुपये का प्रॉफिट बनाया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और कमेंट में लिखिए वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों अपने ग्रुप में जरूर से पहुंचाइए मेरी वीडियो को, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके चार्ट देख सकते हो यहाँ पे, अचानक से 12:40 को ऊपर का गया, मैंने वहां बाय कर लिया, फिर अभी नीचे आ गया है देख सकते हो चार्ट में। तो इसलिए दोस्तों जो भी प्रॉफिट मिले वो आप बुक कर लीजिए, दूसरा आपको चांस नहीं मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।
Thanks for watching.